कोरोना वैक्सीनेशन के प्रथम चरण के तीसरे दिन 59 बूथों पर बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों ने कोविड शील्ड और जिले के नए 2 अस्पतालों में कोवैक्सीन का टीका लगवाया, जिससे जिले में कुल 59 बूथों पर 4,812 लोगों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण में 1,982 पुरुष और 2,830 महिलाएं शामिल रहीं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 77.3% स्वास्थ्यकर्मियों का आज टीकाकरण हुआ है। उन्होंने बताया कि 2 अस्पतालों में कोवैक्सीन का भी टीकाकरण किया गया, जो पूरी तरह से सुरक्षित रहा। बृहस्पतिवार को हुए टीकाकरण अभियान में भी यह सामने आ गया है। राहत की बात यह है कि गोरखपुर में वैक्सीनेशन का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से फोन पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, आज 28 तारीख को कोविड का टीकाकरण हुआ है, जिसमें हमारे 77% हम लोगों ने अचीव किया है। काफ़ी मात्रा में लोग आए और 4,812 लोगों का टीकाकरण हो गया है। अब कल हमें 6,000 लोगों का टीकाकरण करना है, तो टोटल हमारे जो है 6,000, फिर 4 तारीख को 6,000 करना है और फिर 5 तारीख को 3,292 का कर लेना है। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा हेल्थ वर्कर का टीकाकरण। सर, अब तक कितने हेल्थ वर्कर को टीकाकरण लगाया है? अभी तक हमें हमारे यहाँ 8,026 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। सर, आज किन किन अस्पतालों पर बेहतर रिस्पांस देखने को मिला? ज़्यादातर हमारे PHC पर 100% रिस्पांस मिला है। जिला अस्पताल में 100% लोगों ने करा, 100 से ज़्यादा लोगों ने कराया है, और कुछ कम BRD मेडिकल कॉलेज के बूथों पर कम परसेंटेज हुआ है, और इससे टोटल हमारा 77% आया है। पिछली बार हम 71% पर थे, अब की बार हमारा बढ़ा है, 77% हो गया है। सर, किन 2 नए अस्पतालों को, जिले के 2 नए अस्पतालों को इसमें शामिल किया गया था? जंगल कोरिया एक नया अस्पताल और एक प्राइवेट हॉस्पिटल को शामिल किया गया था। सर, आज ये रेलवे और एम्स में भी टीकाकरण हुआ? हाँ, कोवैक्सीन जो है रेलवे में और एम्स में लगाई गई, और वहाँ भी कोई भी किसी तरह से FI के कोई सिम्टम्स नहीं आए, और बिल्कुल वो भी बिल्कुल सुरक्षित वैक्सीन पाई गई। सर, कोशील्ड का भी जो आज वैक्सीनेशन हुआ, उसमें भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं? कहीं से कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ही सब लोग स्वस्थ हैं, और इस तरह से हमारा वैक्सीनेशन बिल्कुल ही सफल रहा है। और लोगों को हम आशा करते हैं कि किसी भी तरह की भ्रांतियाँ न पालें, जब भी उनको मौका दिया जाए वो आएँ और वैक्सीन लगवाएं, और समाज को और देश को कोरोना से मुक्त कराएं।